जनता को आप ब्लड डोनेट करने के रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी कोविड के सिचुएशन में तो ऐसा है कि डोनर्स आते नहीं थे, अभी कोविड कम हुआ है, डोनर्स आने चालू हुए हैं, तो अभी वैक्सीनेशन चालू हो गया तो उसका भी असर अभी ब्लड डोनेशन पे हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने वैक्सीनेशन किया होगा, वो तो ज़रूरी ही है, करना ही चाहिए, अभी आप सब लोग वैक्सीनेशन कर ले। लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद 14 दिन के बाद आप फिर से ब्लड डोनेशन कर सकते हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप जितना पॉसिबल होगा उतना आके ब्लड डोनेट करें और हमारी मदद करें, क्योंकि अभी हमारे पास शॉर्टेज चल ही रहा है। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार मुस्कान शेख के साथ में। आज हम मौजूद है क्लियारक में, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिति दिन पे एक ब्लड कैंप रखा गया है। सुमित भुलकर, आइए यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है ब्लड कैंप के, आइए उनसे बात करते। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में पिछले 9 साल से महापरिनिर्वाण रक्तदान शिविर कृति समिति और औरंगाबाद जिला के अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों का एक सोशल काम करने वाला एक समूह है, जिसका नाम मार्गदीप प्रतिष्ठान है, मार्गदीप फाउंडेशन है। इनके ओर से पिछले 9 साल से हम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ब्लड कैंप सर आप हर साल ऑर्गेनाइज करते हो? पिछले 9 साल से हम ऑर्गेनाइज करते आए भी। इसमें अभी तक कितने व्यक्ति आ चुके हैं ब्लड देने के लिए? तक करीब करीब 110 से करीब करीब लोग आके गए भाई कैंप। तो ये खाली बाहर के ही है ब्लड कैंप के लिए कि यह एरिया वाइज के लिए आपने रखा है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी का जो अम्बेडकरी विचारधारा का आदमी जो कोई एरिया का होगा और उसमें अधिकारी कर्मचारी सामाजिक कार्यकर्ते इनका भी समावेश में, और इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का भी बड़ा रोल है। आइए जो सुबह से ब्लड कैंप पे जो सुबह से डॉक्टर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुनीता बनकर है और मैं यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ गवर्नमेंट ब्लड बैंक में। आप कितने व्यक्ति आ चुके हैं इस ब्लड कैंप में? अभी तक तो 100 हो गए हैं हमारे, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आज सुबह से। ब्लड कैंप लेना, ब्लड देना ऐसा व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी होता है? ज़रूरी तो इसलिए है क्योंकि वो किसी पेशेंट के काम में आता है। अगर आप खून दोगे तो ही पेशेंट को खून मिलेगा और उसकी जान बच सकती है, इसलिए वो ज़रूरी है। और उसके खुद के लिए भी फायदे है, जैसे कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको खून दे सकते हैं, उसके लिए आपको कार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारे तरफ से, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता चलता है, आपके कुछ टेस्ट हमारे पास होते हैं जो हम लोग कभी करते नहीं हैं, जब आप डोनेट करते हो उस टाइम पे ये टेस्ट हमारे पास होते हैं, और नया खून आपके बॉडी में तैयार होता है। तो ये हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम साल में कम से कम एक बार या दो बार तो भी ब्लड डोनेट करें।